हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप विद मनीषा। तो आज मैंने शेयर किया है आप सबके साथ ये वाला मेकअप लुक। आई होप यू लाइक इट। यू नो, अब सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे ओकेज़न आएंगे जिन पे आप अलग अलग तरह के मेकअप कर सकते हैं। अलग अलग ओकेज़न पे बहुत सारी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो आप इस तरीके का मेकअप लुक क्रिएट करिए, बहुत अच्छा लगेगा। पिंक साड़ी के साथ मैंने ये ग्रीन बैंगल्स मैच किए हैं और मैंने हेयर स्टाइल भी ऐड किए हैं इसमें। आप साड़ी पे ये हेयर स्टाइल करिए, काफ़ी खूबसूरत लगता है। मुझे ये हेयर स्टाइल पसंद है और ये मेरा फेवरेट है। मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मैं ये वाला लुक ज़रूर क्रिएट कर लेती हूँ। देन लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ यूज़ किया है निविया सॉफ्ट क्रीम मॉइस्चराइज़र, जो कि ये ज़्यादातर लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं, बट मैंने इससे थोड़ी सी क्वांटिटी ली है मॉइस्चराइज़र के तौर पे। और यहाँ हम अपने फेस पे पूरे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इसे बढ़िया से ब्लेंड करके एब्जॉर्ब करवाना है। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NYV प्राइमर, जो कि मैंने अपनी हॉल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये वही प्राइमर है और इसका मैं रिव्यू भी अपने चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। तो इसका थोड़ा सा क्वांटिटी लेके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है और इसको डैप डैप करके फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। इसको रब मत करिएगा क्योंकि ये प्राइमर है, रब करिएगा आपके फेस से निकल जाए। अफोर्डेबल रेंज में काफ़ी बेस्ट प्राइमर लगा मुझे ये, आप भी ट्राई करिए। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन के लिए रेवलॉन फाउंडेशन, जो कि मैं पहले भी यूज़ करती थी। ये मेरे फेस अकॉर्डिंग टोन से वन शेड लाइटर है और वैसे भी फाउंडेशन सेलेक्ट करने के समय आपने स्किन टोन से वन शेड लाइटर लेना भी चाहिए। बैकग्राउंड में आपको थोड़ा ज़्यादा शोर शराबा सुनाई देगा, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करिएगा और इग्नोर करते हुए वीडियो एंजॉय करिएगा। तो इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बेस को ब्लेंड करने में मैं हमेशा टाइम देती हूँ, तो इसीलिए वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने। फेस के साथ नेक को भी कवर करती हूँ मैं, इसको भी अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लीजिए ताकि आपका फेस और नेक इवन टोन लगे। आप अपने फेस और नेक के साथ ईयर को मत भूल जाइएगा क्योंकि वो भी आपके बॉडी पार्ट फेस के साथ ही आता है, तो ईयर को भी अच्छे से ब्लेंड करिएगा। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NYV का कंट्यूर स्टिक, जो कि मैंने अपने हॉल वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था। ये वही वाला कंट्यूर स्टिक है और ये ना कुछ लाइट था, मुझे थोड़ा डार्क चाहिए था। जैसा मैंने कलर ऑर्डर किया था वैसा एग्जैक्टली मिला नहीं मुझे। आई थिंक मैंने सेलेक्ट ही गलत कर दिया होगा ऑर्डर करते समय। इसको भी एक अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दीजिए। थोड़ा डार्क शेड होता तो मुझे दोबारा कंट्यूर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने इसको फिर से पाउडर आई शैडो के साथ कंट्यूर किया है अपने फेस को लास्ट में। तो अगर आप किसी वेडिंग फंक्शन के लिए या फिर कोई पार्टी फंक्शन के लिए रेडी हो रही हैं तो भी आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हैं। खास करके जो न्यूली गर्ल जिसका वेडिंग अभी अभी हुआ है ना, वो इस तरीके से मेकअप करेगी तो वो कुछ डिफरेंट लगेगा, लगेगा कि हाँ ये न्यूली ब्राइड है। तो मैंने उसको भी ध्यान में रखते हुए ये लुक क्रिएट किया है। ये कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बस मैंने आईज मेकअप थोड़ा बोल्ड रखा है, बाद बाकी सब नेचुरल है। नो हैवी ज्वेलरी, नो हैवी मेकअप, बस आईज को मैंने थोड़ा सा पॉप आउट करके मतलब आई शैडो पिक किया है। आई मेकअप थोड़ा अच्छा किया है मैंने ताकि लगे कि न्यूली ब्राइड है। फिर मैं यहाँ अपने कंसीलर फाउंडेशन को सेट करने के लिए फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और इससे अपने पूरे बेस को सेट कर दूंगी। अगर आप स्टार्टिंग में मेकअप कर रहे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप करके ध्यान से मेकअप करोगे तो आपका फॉल पूरा अच्छे से होगा, अच्छे से मेकअप आपका बेस सेट हो जाएगा। आप हमेशा अपने मेकअप बेस को सेट करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसे तो मैं वीडियो में फटाफट करती रहती हूँ, बट रियल में थोड़ा टाइम लगता है इसको सेट होने में। अब मैं यहाँ आई मेकअप के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा न्यू स्विस ब्यूटी का आई शैडो पैलेट है और यहाँ से मैंने पिक किया है ये एकदम स्किन टोन के साथ मैच होने वाला लाइट पिंक शेड है। इसको सबसे पहले मैंने अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई किया है, पूरा ओवर आईलिड बेस एज अ बेस के तौर पे। पूरे आई मेकअप को मैं इस बेस के ऊपर करूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ मीडियम, आई मीन लाइट है, लाइट टू मीडियम पिंक आई शैडो है। इसको फिर अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड। उसके बाद इसको अच्छे से एक ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड आउट कर ली हूँ ताकि कोई हार्श एजेस ना दिखे। इसके बाद मैंने यूज़ किया है ये ऑरेंजी सा ब्राउनी शेड, जो मैं अपने पूरे आउटर
कॉर्नर से लेके और पूरे लीड पे अप्लाई करूँगी। जैसे मैंने ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया था, बस उसी के साथ इसको मिक्स मैच करके अप्लाई कर रही हूँ, ताकि एक कंप्लीट आई लुक आए। जो मैं डिज़ायर कर रही हूँ कि जो कलर मुझे मिले, वो कलर को डिज़ायर करने के लिए मैंने 2-3 आई शेडो पिक किए हैं, सारे को मिक्स मैच ब्लेंड आउट करके मैंने ये लुक क्रिएट किया है। तो अगर आप भी इस तरीके का लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो एक आई शेडो से आप नहीं कर सकते हैं, आपको 2-3 आई शेडो के साथ प्ले करना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे लिया है पिंक आई शेडो, जो काफ़ी ब्लशी आई शेडो था, वो ब्लश शेड ही है, आई शेडो नहीं है, वो ब्लश शेड ही है। उसी को मैंने अपने सेंटर लीड पे अप्लाई करके इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया है। मैंने इसको ब्लेंड करके एक परफेक्ट सा अपने साड़ी का कलर इसको दिया है, जो कि इस टाइप का कलर ना पैलेट में देखो है ही नहीं। जो मेरा परफेक्ट साड़ी का कलर है वो मेरे उसमें है ही नहीं पैलेट में। फिर मैंने उसको मिक्स मैच करके अपनी साड़ी के कलर का इसको बनाया है। तो अगर आपके पास परफेक्ट आपके कपड़े का कलर नहीं है, तो आप मिक्स मैच करके आप अप्लाई कर सकते हो, आपके परफेक्ट कपड़े का कलर मिल जाएगा। फिर मैंने यहाँ आईलाइनर के लिए यूज़ लिया है ये ब्लू हेवन का आईलाइनर, और इसे मैं थोड़ा सा विंग क्रिएट करते हुए अप्लाई कर लूँगी अपने दोनों आईज़ पे। पतला है, ज़्यादा मोटा मैंने अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि आईज़ ऐसे ही बोल्ड आउट हो रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने पतले से इसको अप्लाई किया है, ज़्यादा मोटा मैंने नहीं अप्लाई किया है आईलाइनर। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, और मस्कारा है ये मेरा मार्स का। तो मैं इसको अपने अपर लैश लाइन, लोअर लैश लाइन दोनों पे अप्लाई करूँगी बारी बारी से। मस्कारा तो बहुत अच्छा लगता है अप्लाई करने में, यू नो, आपका आईज कितना उभरा उभरा लगता है आपके आई लैसेस। उसके बाद मैंने इनर लैसेस लाइन, लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई किया है मस्कारा। ये दोनों मिक्स मैच करके मैं अपने आईब्रो फिल कर रही हूँ, ब्राउन और ब्लैक शेड को दोनों को मिक्स मैच कर देती हूँ, तो मेरा नेचुरल शेड मुझे मिल जाता है जो मैं चाहती हूँ। ब्लैक लगाती हूँ तो एकदम से ब्लैक दिखने लगता है, और ब्राउन शेड पिक करती हूँ तो एकदम से ब्राउन शेड हो जाता है। इसीलिए मैं दोनों को मिक्स मैच कर देती हूँ, ताकि मेरा परफेक्ट डिजायरेबल कलर मिल जाए जो मेरे आईब्रो पे सूट करता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपने दोनों आईब्रो को फिल कर लिया है एक एंगल ब्रश की हेल्प से। तो आप भी इस तरीके से आप अपने आईब्रो फिल करो, नेचुरल लगेगा। तो इस लुक के साथ मैंने हेयर स्टाइल भी क्रिएट किया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ, कोई भी वेडिंग फंक्शन या कहीं पार्टी होता है, तो मैं ये हेयर स्टाइल ज़रूर बनाती हूँ। मुझे और कुछ समझ में नहीं आता जल्दी जल्दी में, तो मैं ये वाला हेयर स्टाइल ही क्रिएट कर लेती हूँ। जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बोली हूँ कि मुझे सबसे इजी लगता है ये हेयर स्टाइल क्रिएट करना। तो यहाँ पे मैं काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ, एक्चुअली ये काजल नहीं है, एक ये ब्रो डिफाइनर है ब्लैक शेड में, जो मैं अगर अपने ब्रो को डिफाइन करती हूँ तो मेरा ब्लैक कुछ ज़्यादा ही ब्लैक लगने लगता है मेरा आईब्रो, तो मैं इसे एज अ काजल यूज़ कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ आईलैशेज़ यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने सेट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लश, जो कि पिंक कलर है, इसको हल्का सा लेके डस्ट आउट करके मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। एक्चुअली आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, ये सब सूट हुआ ही नहीं। पता नहीं कैसे कैमरा ऑफ हो गया था, और मुझे पता नहीं चला कि कैमरा ऑफ है। उसके बाद मैंने चेक किया, जब देखा कैमरा ऑफ है, फिर ऑन किया उसे, और उसके बाद मैं इतने सारा फिर से अप्लाई की हूँ हाइलाइटर ब्लश, ताकि आप लोग को अच्छे से शेयर करके दिखा सक। मैं कोई भी स्किप नहीं करना चाहती, कोई भी कोई भी प्रोसेस स्किप नहीं करना चाहती, मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी फॉर दैट, ये मिस्टेक पता नहीं कैसे हो गई। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने अपर लिप्स को, ब्रो बोन को, चिन को। उसके बाद मैं हुडा ब्यूटी सेटिंग स्प्रे से अपने पूरे मेकअप को सेट कर रही हूँ। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर लेके मैं इसको क्या करती हूँ, स्पॉन्ज आउट कर देती हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा मेरे फेस पे हो वो सारे एब्जॉर्ब हो जाए और मुझे एकदम मैट फिनिश लुक मिले। फिर मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ सिंदूर, जो कि एक मैरिड गर्ल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है सिंदूर लगा। एक शादीशुदा लड़की का मेकअप विदाउट सिंदूर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा अपना नेक के नीचे हाईलाइट करती हूँ। ये थोड़ा साड़ी, यानी कि अगर आप ज्वेलरी हैवी वेयर नहीं कर रहे हो तो आपका गला थोड़ा सा खाली खाली रहता है, तो आप हाईलाइट करोगे तो अच्छा लगेगा देखने में। और यहाँ पे मेरी बेबी ने मुझे कॉम्बल आगे दिया है, वो मुझे ज़बरदस्ती दे रही थी तो मैंने लेके रख लिया।
अब मैं यहाँ हेयर स्टाइल क्रिएट कर रही हूँ। सेंटर पार्टीशन करना है आपको अपने बालों को, और इस तरीके से दोनों साइड से सेंटर टू ईयर पार्टीशन करना है दोनों साइड से, और जितने एक्स्ट्रा हेयर है उसको आप सबको पीछे टर्न कर दीजिए। दोनों साइड सेंटर पार्टीशन करने के बाद दोनों साइड का पार्टीशन करना, और एक्स्ट्रा जितने भी बाल है सबको पीछे लेके एक रबर बैंड की हेल्प से सबको सिक्योर कर लीजिए, पोनी टेल बना लीजिए इसका। यहाँ पे पीछे वाले बाल में मैं कोई डिज़ाइन क्रिएट नहीं की हूँ क्योंकि उतना टाइम भी नहीं था, मेकअप लुक करते करते थक भी जाते हैं सब, टाइम भी बहुत लग जाता है, तो उतना टाइम नहीं था कि मैं पीछे कोई जूड़ा क्रिएट करूं, या खुद से उतना जल्दी अच्छा होता भी नहीं है। फिर मैं यहाँ आगे क्या कर रही हूँ, ये एक ऊपर सेक्शन लेके और एक नीचे सेक्शन लेके दोनों को ट्विस्ट करती हूँ, दोनों को हल्का हल्का ट्विस्ट करती हूँ, और फिर दोनों को आपस में ये दोनों को लेके आपस में कॉम्बाइन कर देती हूँ ट्विस्ट करके। फिर नीचे से एक और हेयर सेक्शन लेती हूँ और इसको ऊपर वाला जो सेक्शन होता है उसके साथ लेके ट्विस्ट करती हूँ। अगर आप नीचे वाले के साथ लेके करोगे तो फिर आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं बनेगा, फिर वो अजीब सा मैसी हो जाएगा और जल्दी खुल जाएगा वो बाल आपका, इसलिए आप नीचे से लो और ऊपर वाले उंगली में जो आपका सेक्शन है उसके साथ उसको ट्विस्ट करो। तो इस तरीके से करके मैंने अपना हेयर स्टाइल क्रिएट किया है और ये मुझे बेहद पसंद है, ये मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल है, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट हेयर स्टाइल है। मैं इसको हमेशा हर ओकेज़न पे क्रिएट करती हूँ क्योंकि अदर साड़ी पे करने में टाइम लग जाता है, तो मैं ये वाला कर लेती हूँ। फिर इसको नीचे तक ट्विस्ट ट्विस्ट ऐसे करते करते आप जितने पीछे ले जाना चाहते हो उतने पीछा उतना लंबा, उतना पीछे के लिए उतने लंबा आप ट्विस्ट कर लो। फिर इसको एक पीछे ले जाओ और एक बॉबी पिन की हेल्प से, जो आप साइड में लगाते हो ना वो वाला बॉबी पिन की हेल्प से इसको यहाँ पे सिक्योर कर दो, यहाँ पे सिक्योर कर दो। फिर मैंने अदर साइड भी सेम टेक्निक सेम प्रोसेस उसी तरीके से मैंने अप्लाई किया है, और उसी तरीके से मैं अपने हेयर को लेके सेम ट्विस्ट प्रोसेस से इसको ट्विस्ट किया है, ट्विस्ट 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 और पिन अप हो गया, ये मेरे छोटे छोटे हेयर निकल जाते हैं। फिर इसको पुलिंग टेक्निक से थोड़ा पुल आउट करना है ताकि आपका आगे का फेस के अकॉर्डिंग आपका हेयर स्टाइल हाइट पे आ जाए और आपके फेस के अकॉर्डिंग वो लुक दे, ताकि आपका चिपका चिपका सा ना लगे। इसको थोड़ा ट्विस्ट करके पुल करके ट्विस्ट करना है। आप आईना में देखोगे आपको खुद लग जाएगा किधर एक्स्ट्रा है किधर कम है, तो आप मैनेज कर लोगे। फिर मैं एक यू पिन की हेल्प से अपने पूरे बाल को पोनीटेल बना के सिक्योर करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे वियर किया सिंपल सा इयरिंग, आप गोल्डन ज्वेलरी यूज़ कर सकते हैं, गोल्ड इयरिंग पहन सकते हैं, अगर आप न्यूली ब्राइड है तो श्योर आप गोल्ड ज्वेलरी पहने काफ़ी खूबसूरत लगेंगी, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लुक देगा आपको। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आप लोगों से अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।